गणपते नमः। ओम गणपते नमः। मेरे प्रभु, बचपन से अब तक आपने अपने इस दीनहीन भक्त पर अपार कृपा की है, पर लंबी प्रतीक्षा के बाद भी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। बचपन में मैंने आपका परम सुंदर स्वरूप देखा था, तब से अब तक मैं उसी परम स्वरूप को देखने के लिए तड़प रहा हूं। मेरी मनोकामना पूर्ण करो प्रभु, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मैं आपकी मधुर वाणी सुने बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता प्रभु। हे कृपा निधान, मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मुझे दर्शन दो भक्त वत्सल, मुझे दर्शन दो। चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल की जय। चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल की जय। चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल की जय। बल्लाल भगत, आपने मेरे मरते हुए बच्चे को जीवन दान दिया है। आपके चरण पड़ जाने से मेरा बंजर खेत सोने जैसी फसल उगलने लगा। भगत जी, आप तो हमारे लिए श्री गणेश जी के ही समान हो। गणेश भक्तों, इस शब्द का प्रयोग करके मुझे पापी ना बनाओ। मैं तो श्री गणेश का छोटा सा सेवक हूँ, आपके ही समान भक्त हूँ। मैं तो स्वयं उनके पुनः दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। ऐसा ना कहें भगत जी, हम सब जानते हैं आप में कितनी शक्ति है। आप छोटे नहीं बल्कि महान हैं। परम गणेश भक्त भक्त राज बल्लाल की जय। आप देख रहे हैं गणेश महाराज, ये सब लोग आपकी जय जयकार के बदले मेरी जय जयकार करके मुझे पाप में धकेल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रहा हूं। नहीं प्रभु, नहीं, मैं इस जय जयकार से ऊब चुका हूं। ये जय जयकार ही मेरी भक्ति में बाधा दे रहा है। मन करता है अब आपको यहां से कहीं दूर लेकर चला जाऊं। कौन हो तुम? देखो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझ पर दया करो। मुझे अपने प्रभु के साथ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझ पर दया करो। भगत की भक्ति करना तो भक्तन का अधिकार होता है, ये अधिकार मुझसे क्यों छीनना चाहते हैं बल्लाल भगत? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको भूख प्यास नहीं लगती क्या? या इन लोगों की जय जयकार से ही आपका पेट भर जाता है? और किसी की नहीं, कम से कम अपनी माता की तो चिंता किया करें, वे आपकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। दिन ढलने को आया, बल्लाल ने तो कहा था भोजन करने दोपहर के पहले आ जाऊंगा। इस बच्चे को तो ना भूख लगती है ना प्यास, अब क्या करूं मैं, कहां ढूंढूं इसे? आनंदी, अरे आनंदी, किस सोच में खोई हो? क्या अपने भक्त बेटे के भक्ति भाव को देखकर, उसकी जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रही हो? नहीं, मैंने तो बल्लाल की जय जयकार नहीं सुनी। क्या, तनिक बाहर निकलोगी तब तो सुनोगी ना। बाहर निकलकर देखो, सारा गांव बल्लाल की जय जयकार कर रहा है। जब से बल्लाल भगत ने अपनी भक्ति का भाव दिखाया है, तब से पूरे गांव पर गणेश की अपार कृपा हो गई है। सारा गांव उसकी जय जयकार कर रहा है। गायत्री बहन, मेरे बल्लाल को यह सब अच्छा नहीं लगता। जब गांव वाले उसकी प्रशंसा और जय जयकार करते हैं, तो वो खाना पीना छोड़कर भक्ति आराधना में लीन हो जाता है। मुझे तो इसी की चिंता लगी रहती है। छोड़ इन बातों को, मेरे बल्लाल की भूख प्यास तो गणेश महाराज ही दूर कर देते हैं। तुम अपनी बताओ। अरे हाँ, उस दिन तुम अपनी बेटी कृष्णा के ब्याह के बारे में बता रही थी, क्या उसका ब्याह कहीं तय कर दिया? जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी आनंदी,
तब तक मैं कृष्णा के ब्याह की बात सोच भी कैसे सकती हूँ। मेरी यहाँ से कृष्णा के ब्याह का क्या संबंध? बहुत भोली हो तुम आनंदी, तुम नहीं जानती मेरी बेटी कृष्णा ने मन ही मन तुम्हारे बेटे बल्लाल को अपना हृदय समर्पित कर दिया है। वो तो हट कर बैठी है कि ब्याह करूंगी तो बल्लाल से। गायत्री बहन, कृष्णा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी है वो, पर मेरे बल्लाल पर गणेश महाराज के दर्शन की धुन लगी रहती है। वो ब्याह भारत के लिए तैयार नहीं होगा। हर समय मुझे यही चिंता लगी रहती है कि गणेश महाराज के दर्शन की धुन में मेरा बल्लाल बैरागी बनकर कहीं भाग न जाए। इसलिए तो कहती हूँ घर गृहस्थी के चक्कर में बांध दो उसको। नून तेल लकड़ी के हिसाब किताब में पड़ेगा तो सदा तुम्हारे पास रहेगा। नहीं गायत्री बहन, बल्लाल नहीं मानेगा ये बात। मेरी मानो तो कृष्णा का ब्याह कहीं और तय कर दो। कृष्णा मेरे बल्लाल के साथ सुखी नहीं रह पाएगी। अपने बच्चे की बात मैं जानती हूँ, दूसरे की बच्ची को सब कुछ जानते हुए भी मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मैं तो समझ रही हूँ आनंदी बहन, पर मेरी बेटी कृष्णा शायद नहीं समझेगी। मैं प्रयास करूंगी उसे समझाने का, और तुम भी बल्लाल को समझाने का प्रयास करना। बल्लाल की चमत्कारी भक्ति और शक्ति की सुगंध केवल इस गांव तक ही नहीं अपितु राज्य के महाराज भीमसेन तक जा पहुंची थी। महाराज भीमसेन की धर्मपत्नी महारानी कमला पिछले लंबे समय से अस्वस्थ है। महाराज भीमसेन नित्य के समान आज भी महारानी के स्वास्थ्य का समाचार जानने के लिए महारानी के कक्ष में पहुंचे। वाला पुत्र ही मेरे दुर्भाग्य का कारण बनेगा, परंतु आपने इस विषय में कुछ भी नहीं किया। स्वप्न कभी सत्य नहीं होते देवी, यदि सत्य होते तो स्वप्न क्यों कहलाते, उन्हें भूल जाओ। नहीं महाराज, मैं उस दुःस्वप्न को कभी नहीं भूल सकती। उस दुःस्वप्न ने मेरा सुख चैन छीन लिया है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल के पास ले चलिए। बल्लाल भगत जी जिसे भी छूते हैं उसके भाग जाग जाते हैं। सुना तो हमने भी ऐसा ही है, परंतु महारानी बल्लाल हमारे राज्य का एक साधारण सा नागरिक है, हम तो उसके पास जा नहीं सकते। उसे स्वयं चलकर हमारे पास आना होगा और हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। कुछ देर पहले हमने अपने एक राज कर्मचारी जीवन को उसे बुलाने के लिए वहां भेजा है। ये सब व्यर्थ की बात मेरे लिए है कृष्णा। मैं अपने गणेश महाराज के सिवा और किसी बात के विषय में सोच भी नहीं सकता। बेटा बल्लाल, गणेश महाराज के दर्शन की धुन में तो खाना पीना सब कुछ भूल चुका है। कृष्णा तू यहाँ क्या कर रही है? वो चलो बेटा घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए भोजन बना कर रखा है। तेरी प्रतीक्षा में मैंने भी कुछ नहीं खाया। और हाँ गायत्री बहन तेरे लिए एक संदेशा लेकर आई है, तू घर आएगा तभी बताऊंगी। चल। मुझे भूख नहीं है माँ, तुम जाकर खाना खा लो, मैं बाद में आऊंगा। बल्लाल भगत की जय हो, बल्लाल भगत की जय हो। बल्लाल भगत, मैं तुम्हारे लिए महाराज भीमसेन का संदेश लेकर आया हूँ। सुना तो तुमने भी होगा महारानी कमला पिछले लंबे समय से अस्वस्थ है। तुम्हें अभी इसी समय मेरे साथ राजमहल चलकर उनका उपचार करना होगा। मैं कोई उपचार नहीं जानता,
महारानी जी से जाकर कहना वो श्री गणेश की आराधना करें। बलाल भगत, तुम राज्य के साधारण नागरिक हो, तुम्हें राजाज्ञा का पालन करना ही होगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, मैं कोई उपचार नहीं जानता, और वैसे भी इन चमत्कारी बातों से अब मेरा मन उब चुका है, इसलिए मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, बात से मान जाओ, नहीं तो कठोर दंड भुगतना होगा। राज आज्ञा ठुकराने का परिणाम तुम अच्छी तरह जानते हो। राज सैनिक तुम्हें यहां से खींच कर ले जाएंगे। यदि मेरे गणेश महाराज की यही इच्छा होगी तो मुझे स्वीकार है, परंतु मैं अपनी इच्छा अनुसार इस चमत्कार का प्रयोग करने कहीं नहीं जाऊंगा। तो यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है? जी हाँ, यही मेरा पहला और अंतिम निर्णय है। ठीक है, फिर राजदंड भोगने की प्रतीक्षा करो। चलो सैनिकों, चल बेटा घर चल। ना जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, चल सुन मेरी बात, चल। गणेश महाराज मेरे बेटे की रक्षा करना, चल चल बेटा चल। नारायण 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 भजमन नारायण। बल्लाल भगत सावधान, गणेश भक्त बल्लाल सावधान, सावधान बल्लाल। ये तो गणेश जी के स्वर हैं। गणेश भक्त बल्लाल सावधान, सावधान बल्लाल भगत सावधान, गणेश भक्त। ओम गं गणपते नमः। प्रणाम मंगल मूर्ति श्री गणेश। सावधान सावधान बल्लाल भगत सावधान, सावधान बल्लाल भगत सावधान, गणेश भक्त बल्लाल सावधान, सावधान बल्लाल भगत सावधान। मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ। बल्लाल बल्लाल बल्लाल, भोजन छोड़कर क्यों जा रहे हो? भोजन तो करो बेटा, कहाँ जा रहे हो, भोजन कर लो। मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ। पेट खाना तो खा ले बल्लाल। सावधान बल्लाल भगत सावधान। मंगल मूर्ति, ये भक्त बल्लाल कौन है? आप बार बार उन्हें सावधान होने के लिए क्यों कह रहे हैं? सावधान सावधान बल्लाल भगत। मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, 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 मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ गया गणेश महाराज। गणेश महाराज, मैं आपकी कृपा से सावधान हो गया हूँ, आपका संकेत मैं समझ गया गणेश महाराज। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये गांव वाले मुझे चमत्कारी बताकर आपकी सच्ची भक्ति से दूर कर रहे हैं, आपके आपके साक्षात दर्शनों से मुझे वंचित कर रहे हैं गणेश महाराज। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। माँ से पूछने जाऊंगा तो वो जाने नहीं देगी, मुझे यहां से किसी को बताए बिना ही जाना होगा। गणेश महाराज, मेरी माता का ध्यान रखना, उनकी रक्षा करना गणेश महाराज। ओम गणपते नमः। यही है बल्लाल भगत का स्थान। सैनिकों, उसे ढूंढो और बंदी बनाकर राजमहल ले चलो। जो आ गया, जो आ गया। बल्लाल, महाराज भीमसेन की राजाज्ञा है, तुम्हें बंदी बनाकर राजमहल ले जाया जाए। बल्लाल यहाँ कहीं नहीं है। मैं जानता हूँ, बल्लाल का घर पास के गांव में है। चलो उसके घर चलकर उसे बंदी बनाएंगे। चलो। नारायण नारायण। कान खोलकर सुन ले बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे बल्लाल को राजमहल नहीं पहुंचाया तो तेरे इस घर के साथ
पूरे गांव को आग में भस्म कर दिया जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, वो मुझे बिना कुछ कहे कहीं गया है। हमारे सैनिक उसे चारों ओर ढूंढ रहे हैं, यदि वो पकड़ा गया तो राज आज्ञा ठुकराने का उसे कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। चलो। काकी, काकी आप चिंता ना करें, गणेश महाराज ने आपके बेटे को ऐसी शक्ति दी है कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हाँ काकी, और गणेश महाराज जी है ना, वो हमारे गांव की और हम सबकी रक्षा करेंगे। महाराज की जय। महाराज, हमने दूर दूर तक सैनिक भेजे परंतु दुष्ट बल्लाल का कहीं पता नहीं चला। मैं तो पहले से ही जानता था कि वो बल्लाल बैरूपिया है, हमारे राज्य की सीधी साधी प्रजा को ठग रहा है। महाराज, महारानी, युवराज। क्या महारानी ने युवराज को जन्म दिया? वे दोनों कुशल पूर्वक तो हैं। क्षमा करें अन्नदाता, वो दोनों कुशल तो हैं, परंतु 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 क्या? तुम बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? महाराज, महारानी ने अत्यंत कुरूप पुत्र को जन्म दिया है, जिसका रूप रंग युवराज जैसा नहीं है। माताश्री, पिताश्री की इस गहन समाधि को देखकर मेरी समाधि भावना भी जाग उठी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एकांत में बैठकर अपने आप को ध्यान में लीन कर दूं। ओम नमः शिवाय। कैलाश में आपका स्वागत है देवर्षि। हम जानते हैं आप यहाँ गौरीपुत्र से अपने प्रश्नों का समाधान पाने आए हैं। गणेश तीर्थों की परंपरा और नए गणेश तीर्थ के विषय में आपके मन में बहुत से प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं। महादेव, आप त्रिदेव में प्रमुख महादेव हैं। इस संसार में श्री महागणेश की इच्छा से जो कुछ भी घटित होने वाला होता है उसे आपसे अधिक भला और कौन जान सकता है। मैं तो आप दोनों के दर्शनों की अभिलाषा से कैलाश पर उपस्थित होता हूँ। जिस प्रकार इस संसार के स्वामी त्रिदेव और श्री महागणेश हैं, उसी प्रकार इस कैलाश की अधिष्ठात्री स्वयं आप हैं माता। भला आपको प्रणाम करना मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपको बार बार प्रणाम जगदम्बा, बार बार प्रणाम। देवर्षि, मैं तो माता की सेवा करने जा रहा हूँ, अब आपके प्रश्नों का समाधान पिताश्री महादेव ही करेंगे। प्रणाम, प्रणाम पिताश्री। देवर्षि, आपके प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान अब कैलाश में नहीं होगा। भोलेनाथ, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? इस बात का निर्णय आप स्वयं करें देवर्षि। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि श्री महागणेश की लीला और श्री गणेश तीर्थों से संबंधित सभी समाधान अब आपको परम गणेश भक्त मुद्गल ऋषि से ही प्राप्त करना होगा। आपका कल्याण हो। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम सुंदराय नमः स्वाहा। नारायण नारायण नारायण। भजो। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। श्री गणेश, समस्त संसार में आपके महान भक्तों के भक्ति स्वर सदा गूंजते रहते हैं। समस्त संसार का दुख और संताप मिटाने के लिए आपके महान भक्त आपकी भक्ति का प्रचार और प्रसार करते ही रहते हैं। नारायण नारायण। परंतु परम भक्त
बल्लाल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इतना तो मैं भी जानता हूं कि अगले गणेश तीर्थ से बल्लाल भक्त का संबंध अवश्य ही होगा। जब बल्लाल भक्त दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ ने मुझे मुद्गल आश्रम क्यों भेजा? ओम गणेशाय नमः। रक्षा करें ऋषिवर हमारी, रक्षा करें, रक्षा करें ऋषिवर हमारी, रक्षा करें, रक्षा करें ऋषिवर हमारी, रक्षा करें। हमें राजकोप से बचाएं ऋषिवर। क्या हुआ, आप लोग इतने विचलित क्यों हैं? ऋषिवर, गणेश भक्त बल्लाल के कहीं अचानक चले जाने से राजा भीमसेन ने हम ग्रामीणों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया है प्रभु। परंतु इस अत्याचार का कारण क्या है? क्या वे मात्र बल्लाल भक्त के विषय में जानने के लिए ही अत्याचार कर रहे हैं? नहीं ऋषिवर, महारानी कमला अस्वस्थ है। महाराज भीमसेन ने बल्लाल भगत को महल पहुँचने का आदेश दिया था। जब बल्लाल भगत महल नहीं पहुँचे तो महाराजा भीमसेन क्रोधित हो उठे। मैं समझ गया, अवश्य श्री गणेश की ओर से उन्हें कोई संकेत मिला होगा, इसीलिए बल्लाल भक्त ने ग्राम का त्याग किया है। परंतु आप लोग चिंतित न हो, आप सभी यहां बैठे और हमारे साथ विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश की आराधना करें। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, ओम गणेशाय नमः। देवर्षि नारद, आपने साक्षात दर्शन देकर इस आश्रम को ही नहीं हम सभी के जीवन को पावन कर दिया है। यह हमारी गणेश भक्त के पुण्य का ही प्रताप है कि आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपकी भक्ति की प्रशंसा केवल श्री गणेश ही नहीं स्वयं भगवान शिव शंकर भी करते हैं। उनकी ही आज्ञा से मैं आपके दर्शन करने यहां प्रकट हुआ हूं। क्षमा करें देवर्षि, ऋषि वचनों पर संदेह तो नहीं करना चाहिए, परंतु मुझ जैसे साधारण भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। नारायण नारायण। ऋषिवर, ये ऋषि वचन है जो कभी असत्य नहीं होते। देवर्षि नारद, मेरी तो बस यही मनोकामना है कि मैं श्री गणेश की कृपा से उनकी भक्ति का प्रसार इस प्रकार करूं कि सारा संसार गणेश भक्तिमय हो जाए। मैंने इन ग्रामीणों से बल्लाल भक्त के विषय में सुना है, क्या बल्लाल भक्त अपना गांव त्याग कर यहां नहीं आए? नहीं देवर्षि, वे तो न जाने कहां चले गए। परंतु आपको तो ज्ञात होगा संसार में ऐसा क्या है जिसे आप नहीं जानते। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। ऋषिवर, श्री गणेश कृपा से भक्त बल्लाल इस समय कहां हैं इसका पता मुझे चल गया है। मैं उनके दर्शन करके शीघ्र ही आपके पास लौटूंगा। मौन क्यों हो गए बल्लाल? अब तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना है? मुझे तो कहना था। कारी समझता है, परंतु मैं दीनहीन हूँ प्रभु, मैं दीनहीन हूँ। मेरे प्रभु मुझे दर्शन नहीं दे रहे। प्रभु, मैं क्या इतना तुच्छ हूँ, इतना पापी हूं प्रभु, कि आप अब तक मुझसे अप्रसन्न है? भक्त बल्लाल,
अपने आंसू पोंछ लो। तुम जानते हो प्रभु ने तुम्हारी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्यों मुनिवर? वो इसलिए भक्त बल्लाल कि वे तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। श्री गणेश चाहते हैं कि तुम अपनी भक्ति की शक्ति से लोगों का कल्याण करो, उनके कष्ट दूर करो। जब तुम ऐसा करोगे तो प्रभु तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री गणेश। नहीं देवर्षी, नहीं। जब तक मेरे आराध्य मेरे प्रभु मुझे आकर दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। महारानी कमला, अब तक आप पर ये अशुभ समाचार पहुंच चुका होगा कि इस कुरूप और अभागे बालक के कारण हमारे राज्य पर संकट मंडराने लगा है। हमारे शत्रु भयशाली नरेश ने कौंडिन्य पर आक्रमण की योजना बनाई है, जो आज तक नहीं हुआ वो आज होने वाला है इस अशुभ बालक के कारण। नहीं महारानी, नहीं, आंसू बहाने से संकट दूर नहीं होगा, हमें कोई कठोर निर्णय लेना ही होगा। कठोर निर्णय? कैसा कठोर निर्णय महाराज? महारानी, हमने इस अभागे और अशुभ बालक को अपने जीवन से ही नहीं अपने राज से भी दूर फेंकवाने का निर्णय कर लिया है। लाओ बालक मुझे दे दो। नहीं महाराज, ये जैसा भी है हमारा पुत्र है, इस राज्य का युवराज है, इसे फेंकने का विचार भी आपके हृदय में कैसे आया महाराज? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। महारानी, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करें, लाए बालक मुझे दें। दे मुझे बालक। नहीं, महाराज, अब तक ये हमारा पुत्र था, अब से केवल मेरा पुत्र है। आप इसे त्यागना चाहते थे ना? इससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं आपको त्याग सकती हूं पर अपने इस निर्दोष अबोध लाल को नहीं छोड़ सकती, इसे मां की ममता चाहिए। मैंने इसे वन में फेंकवाने के लिए जन्म नहीं दिया है महाराज। ओम गणपते नमः। देवर्षि, आप अपने कर्तव्यों को भूलकर हर समय कैलाश के आस पास ही क्यों मंडराते रहते हैं? पिताश्री के आदेश का पालन क्यों नहीं करते? नारायण नारायण, कौन से आदेश मंगल मूर्ति? में कुछ समझा नहीं। महादेव ने आपको मुदगल ऋषि से सहयोग लेने का आदेश इसीलिए दिया था जिससे कि आप देवर्षि के अनुरूप अपने दिव्य कर्तव्यों का पालन कर सके। आपको मुदगल ऋषि से बल्लाल को मिलवाना है। बल्लाल की चमत्कारी सहायता से दूर और संकटों से गिरी महारानी कमला का मार्गदर्शन करना है। नारायण नारायण, महारानी कमला, मंगल मूर्ति मैंने तो आज तक इन्हें कभी देखा भी नहीं। आज तक नहीं देखा तो अब देख लीजिए, अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करिए, महारानी कमला आपके सामने होंगी। नारायण नारायण, श्री गणेश, इस दुखियारी नारी की सहायता के लिए मैं इसी समय प्रस्थान करता हूँ। ओम गम। देवर्षि, एक और महत्वपूर्ण बात सुनते जाइए, मुदगल ऋषि के हाथों पुराण रचना का एक महान कार्य संपन्न होने वाला है जिसका संबंध परम देव श्री महागणेश के अब तक प्रकट सभी ज्ञात अज्ञात अवतारों से होगा। उनके मन में पुराण लेखन की प्रेरणा जगाना भी आपका एक पावन कर्तव्य है।
जो आज्ञा श्री गणेश। ओम गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। चरण वंदन गुरुदेव। गणेशाय नमः। ओम गणेश। चरण वंदन गुरुदेव। चमत्कारी भगत बल्लाल की माता आपके दर्शनों के लिए पधारी हैं। आप महान गणेश भक्त हैं ऋषिवर, आपको अवश्य मेरे बल्लाल का पता होगा। कृपा करके मुझे मेरे बल्लाल के पास ले चलिए। ये क्या कर रही हैं आप? आप तो मेरी माता के समान हैं। मेरे चरण छोड़कर आप मुझे लज्जित न करें। ऋषिवर, मैंने सुना है कि स्वयं देवताओं के ऋषि नारद मुनि यहाँ आए थे और आपको मेरे बल्लाल के विषय में बताकर गए हैं। देवी, देवर्षि नारद यहाँ आए अवश्य थे, परंतु उन्होंने भक्त बल्लाल के विषय में कुछ भी नहीं बताया। परंतु मैं इतना जानता हूं कि बल्लाल भक्त पर श्री गणेश की अनन्य कृपा है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। पुत्री, दिखने में तो तुम महारानी दिखाई पड़ती हो, परंतु इस घने वन में, वो भी इस छोटे से बालक के साथ। मैं महारानी हूं नहीं, थी ब्राह्मण देवता। अब तो मेरी दशा एक भिखारी से भी गई बीती हो गई है। मेरा बच्चा भूख से बिलक रहा है, मैं इसे अपना दूध भी नहीं पिला सकती, क्योंकि दो दिन से मुझे ही खाना नहीं मिला है। पुत्री, यदि तुमने सच्चे मन से श्री गणेश का नाम स्मरण किया होता तो तुम्हारी ये दुर्दशा न होती। पुत्री, इसी समय से श्री गणेश मंत्र का जाप करो, वे तुम्हें तुम्हारे समस्त संकटों से उबार लेंगे। इतना ही नहीं, वे तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान भी पुनः लौटा देंगे। बोलो पुत्री, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। हे परम दयालु श्री गणेश, मुझ पर दया करो। हे परम दयालु श्री गणेश, मुझ पर दया कीजिए। मेरा और मेरे पुत्र का उद्धार करें। मेरा और मेरे पुत्र का उद्धार कीजिए। पुत्री, वो सामने मेरी कुटिया है, वहां खाने पीने की सभी सामग्री है, रहने की उत्तम व्यवस्था है। तुम चलकर वहीं रहो, मैं लंबे समय के लिए श्री गणेश तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। मुझे चिंता थी कि मेरी इस कुटिया को कौन संभालेगा, परंतु अब तुम आ गई हो, तुम ही से संभालो।